नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मेरे इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप देखेंगे कि नई जो आरपीएससी से भर्ती होती है या कोई नए टीचर स्थानांतरित होकर अपने स्टाफ में अपने विद्यालय में जब आते हैं तो उनको शाला दर्पण में अपन एंट्री किस तरह से करते हैं, 3A में जिनकी एंट्री करनी होती है तो उनको किस तरीके से एंटर किया जाता है, ये अपन इस ट्यूटोरियल के माध्यम से देखेंगे। पहले तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मित्रों नए वीडियो हेतु। तो आइए अपन देखते हैं शाला दर्पण में किस तरीके से इनको एंटर करेंगे। तो पहले तो आप विद्यालय लॉगिन में जाएंगे। यहाँ पर विद्यालय लॉगिन में जाने के बाद में अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ये जो रिजल्ट कैप्सा को आप कैलकुलेट करके यहाँ पर डालने के बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खोलने के बाद में यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं विद्यालय शिक्षक, तो यहाँ पर अपन को शिक्षक का जो ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षक के कॉलम में अपन को जाना है। यहाँ शिक्षक में अपन 3A कार्यक्रम प्रविष्टि 3A पर क्लिक करेंगे। 3A पर क्लिक करते ही तुरंत आपके सामने पेज खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पर जो वैकेंट पोस्ट बता रहा है जिनकी अपन को यहाँ पर एंट्री करनी है तो वो यहाँ पर लाल जो निशान बता रहा है लाल एक यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो भी जिस सब्जेक्ट का जाए यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं सारे और यहाँ पर जो पोस्ट दी हुई है और पोस्ट के सामने जस्ट सामने जिस पोस्ट का खाली है अपन को एंटर करना है उसके सामने यहाँ पर लाल जो स्वीकृत पद दिया हुआ है यहाँ पर एक पर अपन क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपके सामने ये चीज़ खुल जाएगी जिसमें अपन चयनित पद जिस हेतु अपन को एंट्री करनी है जिसमें नई नियुक्ति पोर्टल पर डेटा और कार्यमुक्ति पश्चात अगर कार्यग्रहण हो जिसे ट्रांसफ़र होकर आए हैं तो अपन कार्यमुक्ति पश्चात कार्यग्रहण पर क्लिक करेंगे और कार्यालय से आए हैं मान लो बी ऑफिस से आए हैं कहीं तो कार्यालय से कार्यग्रहण में अपन एंटर करेंगे। लेकिन नई नियुक्ति है तो नई नियुक्ति को अपन यहाँ पर ऑलरेडी टिक किया हुआ ही मिलेगा और उसके बाद में यहाँ पर वर्तमान उनका पद जो होता है वो तो पहले से ही यहाँ स्वीकृत होता है, सब्जेक्ट भी स्वीकृत होगा। बजट हेड अपन यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जो भी बजट हेड होगा उसको अपन यहाँ पर ले लेंगे, चॉइस कर लेंगे मतलब, और यहाँ पर बजट का प्रकार डालेंगे जैसे नॉन प्लान में है या प्लान में है, सैलरीज मतलब सैलराइज है अपनी स्कूल से। उसके बाद में यहाँ पर उनका नाम शो करेंगे और उनकी यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, अगर नए हैं तो पहले तो एम्प्लॉय आईडी इनकी बनानी पड़ेगी जो SIPF पोर्टल पर तुरंत ही जनरेट होती है। मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि एम्प्लॉय आईडी नई जो टीचर की भर्ती होती है तो एम्प्लॉय आईडी किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये भी मेरा वीडियो जारी किया हुआ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में जन्मदिनांक यहाँ पर उनकी शो करेंगे, जेंडर मेल फीमेल और उनका मोबाइल नंबर और कार्मिक के वर्तमान कार्य ग्रहण का प्रकार मतलब पोस्टिंग नियमित रूप से पदस्थापित एक ही आएगा इसमें और सेव बटन पर अपन क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद में वापस अपन जाएंगे कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि में जहां पर उनकी विस्तृत विवरण जो प्रविष्टि है अपन आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरीके से अपन आसानी से इनको 3A के अंतर्गत प्रविष्ट कर पाएंगे। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो नए वीडियो के तो सब्सक्राइब करें, यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है। ओके थैंक्स।